तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं 2022 में जो सवाल आने वाले हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 2022 में जो पत्र से जुड़े सवाल होंगे उसके पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पत्र जैसे दो तरह से पूछा जाता है, एक शिक्षक के पास पूछा जाता है और एक माता-पिता के पास पूछा जाता है। तो मैं जो आज पत्र डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा का पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक ये है कि मुझे पत्र जो लिखना है शिक्षक के पास लिखना है। और शिक्षक के पास पत्र किस लिए लिखते हैं, जैसे देखिए हम लिखते हैं शिक्षक के पास जो पत्र लिखते हैं वह या तो छुट्टी के संबंध में होता है, या परीक्षा के संबंध में होता है, या अपनी आर्थिक स्थिति को बताते हैं जिसमें हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर होता है उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। तो आज जो मैं छुट्टी के संबंध में पत्र लिखूंगा, ऐसे में बहुत सारे पत्र का लगभग 100 वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको पत्र से जुड़े सारे डाउट खत्म हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और मैं हर वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जैसे मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से जुड़े सवाल, या फिर इतिहास, भूगोल से, संस्कृत से जुड़े हुए सवाल, हर का आपको सटीक सटीक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। और तो और बात, मैं एग्जाम में लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल पे रोज जुड़े रहिए और हर सुबह 8 बजे मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं हर सुबह 8:30 बजे के बीच में आपको एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से देखिए और आप घर बैठे लॉकडाउन में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं वीडियो का शुरू करता हूँ। जैसे पत्र लिखना कैसे, ये पत्र आपको 5 नंबर में पूछता है, इसलिए बिना वीडियो स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आइए, जैसे देखिए आप शिक्षक के पास लिख रहे हैं, यानी कि किसी अधिकारी के पास लिखते हैं या किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास लिखते हैं, तो उसमें सेवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है। आप जिस स्कूल का है उसके स्कूल का नाम लिख दीजिए। तो एस, मैं अपने स्कूल का लिख देता हूँ, SRB High स्कूल लखौरा, और जिस जिला के, उस जिला के नाम पूर्वी चंपारण। चलिए, ये अब इससे हो गया। अब विषय आपका क्या है उसको लिख दीजिए। दो दिन के छुट्टी या अवकाश के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पे महाशय, सविनय निवेदन निवेदन यह है कि मुझे अचानक बुखार लग गया है, जिसके कारण
हमें काफी काफी सारी कमजोरी महसूस कर रहा हूं, जिसके कारण मैं काफी शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहा हूं। मैं दो दिन तक स्कूल नहीं आ सकता हूँ। मैं दो दिन तक स्कूल नहीं आ सकता हूँ। मैं डॉक्टर के सलाह से पूर्ण आराम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर के सलाह से पूर्ण आराम कर रहा हूँ। अतः महाशय से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरा दो दिन के अवकाश स्वीकार किया जाए। जिसके लिए मैं महाशय का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी छात्र। नाम लिख देना है, नाम राम, ठीक है। रोल नंबर लिख देना है, रोल कोड लिख देना है, रोल कोड लिख देना, ठीक है। इस तरह से आप पूरी तरह से लेटर को लिखोगे और आपको इस पे फुल 5 नंबर मिलने की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको तकई कुछ थोड़ा भी नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं है, फुल 5 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आप पूरा के पूरा वीडियो को देखो और पूरा एकदम एक बार नहीं होता है, दो बार देखो इस वीडियो को। जितना बार देखोगे उतना आपको फायदा होगा। आप इतना आसानी से और सरल भाषा में बनाया गया कि आप एक से दो बार देखोगे तो आपको वीडियो का मतलब पूरा का पूरा लेटर ही याद हो जाएगा और आप आराम से अच्छा मार्क्स उठा सकते हो। इससे 5 नंबर का है ये, आराम से आपको 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा। याद रखना, ये नंबर आपको फुल देगा, ठीक है। आपका ये लेटर इतना अच्छा से लिखा गया है कि आपको दिमाग में सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, पूरी की पूरी 5 नंबर मिलेगा। और जैसे लिखा गया है वैसे आप लिख दीजिए। अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पे जो आपको संबंध में है उसके बारे में लिखिए
और जब बात यहाँ पर लिखी गई है वैसे आप लिख दो एग्जाम में, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।